नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गोटेगांव शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में ब्लॉक स्तरीय शालेय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यूनिवर्सल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के तत्वाधान में 14-17-19 वर्ष बालक बालिका की स्कूल टीमों ने अपनी खेल प्रतिभा दिखाई। शाम तक चले क्वालिफाई मैचों में खिलाड़ियों ने खो खो में अपनी चुस्ती फुर्ती का बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रथम मैच यूनिवर्सल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा ने जीत दर्ज की। ब्लॉक में जो टीमों ने जीत दर्ज कर जिला स्तर टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हुई, गोटेगांव विकासखंड से लगभग 30 टीमों ने भाग लिया। 11 स्कूल 350 खो खो खिलाड़ी छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम सरस्वती पूजन किया गया। यूनिवर्सल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक अरविंद पटेल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। पीटीआई रंजीत घोसी, शोभा राम धोया, राहुल नामदेव, खेल युवा कल्याण विभाग समन्वयक इंदु सिंह ठाकुर, उमाकांत राजपूत, नीरज पटेल, दीपक पटवा, मनोज सिंह ठाकुर, तुलसीराम ठाकुर मौजूद रहे। गोटेगांव से न्यूज 69 के लिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। अंडर 14-17 और अंडर 19 गर्ल्स और बॉयज, तो उसके लिए आपके यूनिवर्सल पब्लिक परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आप जिला स्तरीय और विकासखंड स्तरीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय तक अपना प्रदर्शन जारी रखें। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।